राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को संसद में पेश करने पर जताई सहमति। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कल राज्यसभा में पेश होगा ये विधेयक। तेलंगाना समेत कई अन्य मुद्दों पर भारी शोर शराबे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। भाजपा ने किसानों के लिए कृषि इंश्योरेंस में संशोधन की मांग की। समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा विधेयक को पेश करने की रखी मांग। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पृथक तेलंगाना के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस की मंशा तेलंगाना राज्य बनाने की नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तेलंगाना बनाने की बात करते हैं और दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता तेलंगाना का विरोध कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल और अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वीएम सुधीरन को मिली केरल के राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस ने अरुणाचल के छात्र नीडो कानियाम की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट में बताया कि नीडो की मौत उसके सिर और चेहरे पर आई चोटों की वजह से हुई। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी आज से दो दिन की हड़ताल पर। वेतन में 30% बढ़ोतरी की कर रहे हैं मांग। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की वाम दलों समेत अन्य नेताओं से मुलाकात। विस्तारित शीतकालीन सत्र के बाद राजनीतिक दल तीसरे मोर्चे को मूर्त रूप देने के लिए करेंगे बैठक। जस्टिस मुकुल मुद्गल ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की। रिपोर्ट में गुरुनाथ मैयप्पन को सट्टेबाजी में पाया गया लिप्त। कहा राज कुंद्रा के खिलाफ आरोपों की फिर से जांच होने की है जरूरत। ओडिशा के संबलपुर के निकट हीराकुंड झील में पर्यटकों से भरी एक नाव के पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोगों के लापता होने की खबर। राहुल गांधी ने नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों से की मुलाकात। शेयर बाजार आज लाल निशान के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 57 अंक की गिरावट के साथ 20,320 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ 6,053 पर बंद हुआ। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से पेश उन 7 बिंदुओं पर सहमति जताई है जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी की बात कही गई है। ताज़ा घटनाक्रम से ईरान परमाणु वार्ता पर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। टोक्यो समेत जापान के कई शहरों में भारी बर्फबारी ने तोड़ा 6 दशकों का रिकॉर्ड। 11 लोगों की मौत, 1200 से ज्यादा लोग घायल, 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द, हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे।